हरे कृष्णा। रामानुजाचार्य भारत के एक बहुत बड़े संत हो गए लगभग 1000 वर्ष पूर्व, और हम ये भी जानते हैं कि उनके स्मृति में भारत में विश्व में सबसे बड़ी बैठी मूर्ति और उसका अनावरण परम पूज्य हमारे श्रद्धेय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हाल ही में हुआ। तो रामानुजाचार्य, इनको हम लोग प्रणाम कर सकते हैं। उनका जब भी आविर्भाव और तिरोभा दिवस होता है उस दिन, तो उनका श्लोक हम लोग जो है वो चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का विषय है रामानुजाचार्य, इनके लिए प्रणाम करने के लिए एक श्लोक, एक प्रार्थना। तो श्लोक इस प्रकार से है। यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद् गुरोर् भगवतोस्य दयैक सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपत्ते। इसका अर्थ इस प्रकार से है। यो नित्यम अच्युत, अच्युत ये भगवान का एक नाम है। नित्य मतलब सदैव, हमेशा। पदाम्बुज युग्म रुक्म मतलब भगवान के चरण कमल जो माने सुवर्ण के समान है, और उससे वो हमेशा मोहित रहते थे, व्यामोहित। तद इतराणि तृणाय मैंने, और भगवान के उस स्वर्ण रूपी चरण कमलों को जब प्राप्त किया हुआ है और उसमें जब मन निमग्न हुआ है, तो इतराणि बाकी सारे वस्तुएं चीजें तृणाय मैंने, उसे वो तृणतुल्य मानते थे, एक घास के तिनके के समान मानते थे। कौन है वो? अस्मद् गुरोः भगवतोस्य, ये है भगवत पाद हमारे गुरु। क्या है उनका और एक विशेषण? दयैक सिंधोः, जो दया के सागर है, करुणावश उन्होंने इस संसार में अवतार लिया था। ऐसे कौन है वो? रामानुजाचार्य। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये, उन रामानुजाचार्य उनके चरणों में मैं शरण जाता हूं और उनको प्रणाम अर्पण करता हूं। तो पुनः एक बार श्लोक बोलेंगे। यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद् गुरोर् भगवतोस्य दयैक सिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। तो इस श्लोक को आप सभी याद कर सकते हैं, उनको हम लोग प्रणाम अर्पण कर सकते हैं, और आपका जब श्लोक याद हो जाएगा तब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।